प्लास्टिक कैन रैट ट्रैप। बडवेल नाम के गांव में सोनू नाम का व्यक्ति एक किराने का दुकान चलाता था। उस गांव की वो एकमात्र किराने की दुकान थी, इसीलिए वो दुगने दाम पर सामान बेचता था। अगर कोई शिकायत करता तो उसे सामान ना देकर उसे तंग करता था। एक दिन सुमा नाम की औरत और उसकी पति राजीव उसके दुकान पर पहुंचे। सुमा सोनू से, सोनू जानते हो तुम लोगों को कितना लूट रहे हो? तुम जितना पैसे लेते हो उससे दुगना सामान मिलता है पड़ोसी गांव में। सोनू क्या बात है दीदी, जुबान खूब चल रही है। तुम अपना ये गुस्सा तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति खड़ा है उस पर दिखाओ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ना बर्ताव करना। तुम मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें माल बेचने से मना कर दिया तो तुम्हें छठी की दूध याद आ जाएगी। तब राजीव, सोनू तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। तुम्हारे पीछे जो चूहा है ना, वही तुम्हें सबक सिखाएगा। बस यही मेरा श्राप है। तब सुनू, अरे ये क्या, औरतों की तरह तुम श्राप पाप देने लगे हो हैं? क्या कहा तुमने, चूहा आएगा? अरे चूहा आए या फिर चूहे के भेष में तुम आओ, कोई भी आए मैं संभाल लूंगा। कहता है चूहा आएगा, दफा हो जाए यहाँ से। तब वे दोनों वहाँ से चले गए। तब एक टीले के पास एक चूहा अपने परिवार जनों से जा मिला। अब उन चूहों से ये राजा चूहा, अरे बच्चों तुम लोगों ने एक खबर सुनी? कुछ इंसान हमारी खूब प्रशंसा कर रहे थे। वो जो किराने के दुकान वाला सोनू है ना, एक आदमी ने उसे चेतावनी दी थी। मैंने खुद सुना, अगर इंसान की नजरों में हमें ऊंचा उठना हो तो उस किराने के दुकान वाले सोनू को सबक सिखाना होगा। चलो जाकर उसके दुकान पर हमला बोलते हैं। ये सुनकर सब चूहे खुशी के मारे नाचने लगे। उस दिन रात को सारे चूहे सोनू के दुकान पर गए। दुकान में रखे सारे कपड़ों को और बाकी वस्तुओं को कुतरने लगे। फिर सब कुछ तहस नहस करके वहां से चले गए। अगले दिन जब सोनू दुकान पर पहुंचा और सामान को बिखरा हुआ देखा, वो दंग रह गया। उसने सारे सामान फिर से ठीक से सजाए। उस दिन रात को भी दोबारा चूहे वहां पहुंचे और फिर से उन्होंने सारे सामान को तहस नहस कर दिया। ये देखकर सोनू ने अगले दिन अपने दोस्त की मदद से एक प्लास्टिक कैन रैट ट्रैप बनाकर वहां पर रखा। उसने कई रैट ट्रैप्स अपने दुकान पर रखे। उस दिन रात को सारे चूहे वहां पहुंचे। उन्होंने चूहे दान में खाने की चीज देखी, वहां जाकर वो खाने लगे और इस तरह वो रैट ट्रैप में फंस गए। कुछ देर बाद सोनू दुकान पर पहुंचा और उसने चूहे दान में चूहों को फंसा हुआ देखा। सोनू, अरे चूहे भाइयों, इतने दिन खूब डट कर खा रहे थे ना, जरा ठहरो तो सही। थोड़ी ही देर में पड़ोसी देश से मेरा दोस्त आ रहा है। वो पहले तुम लोगों का खाल उधेड़ेगा, फिर तुम लोगों को उबाल कर बढ़िया सा सूप बनाकर चुस्की लेकर चट कर जाएगा। तब एक छोटी सी चूहिया राजा चूहे से, अरे बूढ़े चूहे देख लिया क्या हो गया? तुम कह रहे थे कि इंसानों में हमारे बड़े फैंस हैं, हम मशहूर हो जाएंगे, अब देखो लेने के देने पड़ गए। कह रहा है कि वो सूप बनाकर पी जाएगा, अब तो तुम खुश हो ना? उनकी बातें सुनकर सोनू, अरे वाह तुम चूहे तो बोल भी लेते हो भाई, मजा आ गया। यानी अब मेरे वजह से तुम चूहों में लड़ाई होने वाली है? यानी ये जो बूढ़ा चूहा है ये अपने फैंस के लिए सब कर रहा था? तो एक काम करता हूँ, पहले इन सारे चूहों को मैं छोड़ देता हूँ, फिर इस बूढ़े चूहे को छोड़ूंगा, तब तुम सारे चूहे मिलकर इसकी खूब पिटाई करना। कहकर उसने उन चूहों को छोड़ा। तब वे चूहे एक दूसरे को मारने के बजाय वहीं खड़े देख रहे थे। ये देखकर सोनू, अरे ये क्या, तुम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हो? अरे मारो उस बूढ़े चूहे को। तब वो चूहिया, अरे डिंग डांग तुम अपने आप को बड़े होशियार समझते हो? अरे हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं, इसीलिए तेरे सामने हम एक्टिंग कर रहे थे। हम कल फिर आएंगे, लेकिन इस बार तुम्हारे प्लास्टिक कैन रैट ट्रैप में नहीं फंसने वाले, हम तुम्हें कुतर कुतर कर चले जाएंगे बस। कहकर सारे चूहे वहां से हर्र करके भाग गए।
अगले दिन से सारे चूहे फिर से आने लगे और उस प्लास्टिक कैन रैट ट्रैप में ना फंसकर सारे सामान को तहस नहस करके वहां से जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि सोनू को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तब सुमा और राजीव ने मिलकर एक बढ़िया सी दुकान खोली और उसमें लोगों को कम दाम में सामान बेचने लगे। इस तरह उन्होंने खूब नाम कमाया। इतना ही नहीं, वे हर रोज चूहों को खाना भी खिलाने लगे।